हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन एंड क्लेसेन श्मिट रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि इंटरनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, लाइक एल्डोल जो होता है वो इंटरनली हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3CO है और इधर भी CH3CO है, मीन्स यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस साइड में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अंदर ही अंदर एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा और रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। नाउ अब अगर इसके देखा जाए ये सी डबल बॉन्डो को, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे अगर सी डबल बॉन्डो को देखा जाए तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जब OH माइनस आता है तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालता है या इस पोजिशन से अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, क्योंकि बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो या तो यहाँ या तो यहाँ, दोनों एक ही बात है। यहाँ से क्यों नहीं निकालता? क्योंकि अगर यहाँ से निकालेगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना इज लाइक बिट मोर अनफेवरेबल। वाई? बिकॉज अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो उतना डिस्टेबलाइज नहीं होगा एक्चुअली, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इसके इंडक्टिव इफेक्ट से ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। भले ही वो ओ के साथ रेजोनेंस में जाए बट यहाँ पे आने पर वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज बना दें तो ये नेगेटिव चार्ज अब जाके कहाँ रिएक्ट करेगा? इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा। तो अब कितने मेंबर ड्रिंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हाउ मेनी मेंबर ड्रिंक विल बी फॉर्म? देयर विल बी 6 मेंबर ड्रिंक विल बी फॉर्मिंग। और एक 6 मेंबर पे यहाँ पे आपका क्या होगा? हेयर वी विल बी हैविंग ओ माइनस, और सिमिलरली उसी कार्बन पे हमारे पास CH3 होगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो जिस पॉइंट पे ये जुड़ रहा है उसके बाद पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। जब भी आप रिंग बनाएं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट कार्बन पे, ये तो जुड़ रहा है इस कार्बन पे हो जाएगा। ओके, जब भी आप रिंग बनाएं एक चीज की ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग कर लें। जैसे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 मेंबर रिंग है तो हम यहाँ पे बना देते हैं 6 मेंबर रिंग और इसको नंबर कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ देखिए, 1 पे क्या है? ओ माइनस, और 1 पे क्या अटैच है? CH3। और इधर आपके पास 6 पे क्या अटैच है? 6 पे CH3 है, और 5 पे क्या अटैच है? डबल बॉन्ड ओ। देखिए अब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। जब भी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है हमेशा नंबरिंग करके कीजिए, उससे काफी इजी पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हमसे बोल दिया जाए कि अगर यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड कर दिए, तो हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम बनेगा। तो ये इसका अल्फा पोजिशन, दिस इज दिस पेरेंट, सो दिस इज अल्फा and this is beta. So finally the product form would be what? This will be double bond O. This is alpha beta unsaturated system and this is CH3. So this is the product which is formed. So this was a very easy reaction, again intramolecular aldol reaction. So I hope you can do it very easily. Now we are moving to the next reaction, that is Claisen Schmidt reaction. Now what is Claisen Schmidt reaction? It is also a simple aldol reaction. Just the reaction is between aromatic aldehyde with aliphatic aldehydes or ketones. Means there is a cross, this is a cross aldol reaction, and this is a special type of cross aldol reaction in which the two molecules participate. One is aromatic aldehyde, and the other is aldehyde, and the other is plus aliphatic एल्डिहाइड और कीटोन। सो इन दोनों के रिएक्शन अगर होता है एरोमेटिक और एलिफैटिक का, देन इट इज नोन एज क्लेसेन श्मिट रिएक्शन। और ये इसकी एक खासियत होती है कि ये जो रिएक्शन होता है दिस हैपेंस एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ही जो प्रोडक्ट विल बी अ अनसैचुरेटेड सिस्टम। हमें अभी तक क्या करना पड़ रहा था? जब हमें अनसैचुरेशन सिस्टम में लाना था तो हम क्या प्रोवाइड करते थे? एक हीट प्रोवाइड करते थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन का कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक की वजह से, ठीक है, जो हेल्प करता है इवन सीबी को बहुत फास्ट होने के लिए। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले लिया पीएच और यहाँ पे ये ले लिया। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। तो द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी व्हाट?
आप यहाँ पे भी शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं. सो अगर हम लगाएंगे दिस इज डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच. सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड. दिस इज क्लेसन श्मिट रिएक्शन. आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.